तुम नहीं जानते आदिया, जब तुम्हारा रिश्ता तय हुआ था और जब तुम्हारी शादी उससे हुई थी, उस वक्त मैंने कैसे अजियत में जोहेब, जो हुआ उसे भूल जाए। आप जानते हैं मैंने हमेशा सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। और मैं इससे शादी के लिए रजामंद सिर्फ सिर्फ आपकी बहन की खुशी के लिए हुई थी। हेलो, जी जी मामा, हम रास्ते में। ओके, हादी आई एम सॉरी, मुझे कल तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। नाराज हो मुझसे? नहीं। अच्छा, आप अपना मूड ठीक कर लो। मेरा मूड ठीक है जोहेब, मेरे मूड को क्या होना है। मुझे अफसोस है मैंने जो बातें की थी कल। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए था। जोहेब आपको देर हो रही है, आप ऑफिस जाएं। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो डरा ही दिया सारा। जुहेब नाश्ता लग गया है, सब इंतजार कर रहे हैं तुम दोनों का। ठीक है सारा, तुम चलो, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है सारा। किसी के बेडरूम में आने के कुछ मैनर्स होते हैं। मैं तो पहले भी जुहेब के कमरे में ऐसी आती थी। पहले और अब में फर्क है। चलिए ताईजान वेट कर रही हूँ। जी भाभी, आपने हम सबको क्यों जमा किया है? बहुत बहुत मुबारक हो, शौकत का फोन आया था, वो अपनी पार्टी का वाइस चेयरमैन बन गया है। उससे कहूंगी कि एक टिकट जोहेब को भी दिलवा दे। हाँ जोहेब। मामा प्लीज, आप मुझे इस पॉलिटिक्स से माफ कर दें। अगर एहसन चाहता है एहसन कर सकता है। ओ नहीं यार, ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स मेरे पास की बात नहीं है। मैं अपने हॉस्पिटल में ठीक हूँ, सियासत बाबा करे तो अच्छी बात है। जुहेब साहब, ये आपके लिए। जुहेब, क्या है इसके अंदर? एजेंसी से आया, मेरे हादिया की टिकट्स हैं। गुड। हनीमून के लिए हम पहले यूके जाएंगे, फिर इस्तांबुल। तुम दोनों हनीमून पे जा रहे हो और किसी को बताया भी नहीं? एक्चुअली मैंने हादिया को भी नहीं बताया, उसको सरप्राइज करना चाहता था। चलो भाई, अच्छी बात है, जाओ घूमो फिरो। वैसे भी यही दिन तो होते हैं घूमने फिरने के, बाद में कहां मौका मिलता है इंसान को। एक्सक्यूज मी,
जारा रो रही हूँ और क्या करूँ मम्मा, हर पल जैसे मेरे लिए अजियत बन गए। मैं क्यों सोचती हूँ इतना, सुहेब के बारे में सोचना छोड़ दो, जिंदगी में आके बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही। कैसे आगे बढ़ूं, हर वक्त वो दोनों मेरी नजरों के सामने होते। मम्मा थिया को सुहेब के साथ देखकर मेरे दिल पे क्या गुजरती है मैं आपको बता भी नहीं सकती। ऐसा लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा, लगता है आगे कोई रास्ता ही नहीं खुला मेरे लिए, ना आगे बढ़ सकती हूँ ना पीछे हट सकती हूँ। सारा तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, मुझे बहुत दुख होता है, खुश रहा कर। मुझे अपनी हंसती मुस्कुराती सारा फिर से चाहिए, जिन लोगों से उनकी सारी खुशियां छीन ली जाती है ना मम्मा, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू रह जाते। देखो सारा इस तरह से हादे को खुश होने का मौका दे रही हो, अपने आपको क्यों कमजोर साबित कर रही हो? मेरी बेटी कमजोर नहीं हो सकती, तुम्हारा हादिया का कोई मुकाबला नहीं है, तुम हर तरह से हादिया से बहुत बेहतर हो। फिर भी खाली हाथ हूं, सब कुछ तो उसके पास है। किस्मत हमेशा हर किसी का साथ नहीं देती, जो उसके पास है जरूरी नहीं वो उसका ही रहे। खुद को दुख देना छोड़ दो, ठीक ही तो कह रही है मम्मा, मैं क्यों दुखी हूं? दुखी होने की बारी तो अब हादिया की है, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। मैं भी अब तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी हादिया।